नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोविकार तज्ञ हूँ, व्यसन मुक्ति तज्ञ और सेक्स रोग तज्ञ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्किजोफ्रेनिया पार्ट टू में के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ स्किजोफ्रेनिया के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आपको मैंने पिछली बार ही बताया था, स्किजोफ्रेनिया को छिन्न मनस्कता की बीमारी बोलते हैं। इसमें मेनली तीन प्रकार की ट्रीटमेंट काम में आती है। एक है काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन, दूसरा है ईसीटी और तीसरा है मेडिसिंस। पिछले जमाने में, जब 10-15 साल पहले जो पिछला जनरेशन था, उसमें स्किजोफ्रेनिया की इतना अवेयरनेस नहीं था, तो लोग पेशेंट को चेन से बांध के रखते थे, उनको मारते थे, उनको अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देते थे, जिससे पेशेंट सुधरता नहीं था पर बल्कि एक्चुअली खराब हो जाता था। लेकिन अभी नए नए साइंस में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि अलग अलग प्रकार के एंटी साइकोटिक्स और अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। बहुत सारी एंटी साइकोटिक्स ऐसी दवाइयाँ है जो पेशेंट के जो केमिकल इम्बैलेंस या केमिकल लोचा हो चुका है, उसको ये दवाइयाँ ठीक कर सकती है और पेशेंट पूर्ववत जो पहले जैसा था वैसा फंक्शन कर सकता है, वैसे काम कर सकता है। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है और स्किजोफ्रेनिया की बीमारी बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई है, तो पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। उसी के संबंध में हमारे यहाँ एक 50 बेडेड आईपीडी है, एडमिशन का हॉस्पिटल है, जहाँ हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, और जहाँ बहुत ही ज़्यादा पेशेंट वॉयलेंट है वहाँ बिना रिलेटिव्स के भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। जब सबसे पहले वॉयलेंट पेशेंट हमारे आता है, तो उसको सबसे पहले जो एक्यूट स्टेज है उसको कम करना, उसको इंजेक्टेबल्स देके उसको शांत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हम करते हैं। एक बार पेशेंट शांत हो गया, हम उसके बाद ओरल मेडिसिन शुरू करते हैं पेशेंट के। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम पेशेंट को ईसीटी भी दे सकते हैं। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो पहले के ज़माने में पिक्चर्स में बताते थे कि पेशेंट को पकड़ा हुआ है और पेशेंट झटके मार रहा है, पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट को हम एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया देते हैं और एक हल्का सा करंट माथे पे हम लगाते हैं, जिससे पेशेंट को सीजर आते हैं और जो केमिकल लोचा हो चुका है, जो केमिकल्स खराब हो चुके हैं, वो केमिकल्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं। इस प्रकार की ट्रीटमेंट हम स्किजोफ्रेनिया में देते हैं। समझना ये जरूरी है, बहुत सारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि ईसीटी मत दीजिए, ईसीटी से इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ईसीटी देने से इससे कोई शादी नहीं करेगा, ईसीटी से पेशेंट और पागल हो जाएगा। तो एक्चुअली समझना ये जरूरी है कि ईसीटी से पेशेंट और पागल नहीं होता, बल्कि ईसीटी देने से पेशेंट अच्छा होता है। ईसीटी ये पूरी तरह एडमिशन की प्रोसीजर है, इसलिए ऐसा कोई भी ओपीडी प्रोसीजर में वो दे नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 8 से 10 ईसीटी देने के पश्चात पेशेंट में हमको इम्प्रूवमेंट दिखनी पड़ती है। ईसीटी स्किजोफ्रेनिया के साथ साथ पैरानॉइड डिसऑर्डर्स, डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स, ये बीमारियों में भी इम्पॉर्टेंट है। स्किजोफ्रेनिया बीमारी में और भी इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग करना पेशेंट्स की, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स के रिलेटिव्स की। पेशेंट्स के रिलेटिव अगर शांत रहे, उनका जो इमोशनल लेवल है वो अच्छा रहे, तो पेशेंट्स पे उसका अच्छा फर्क पड़ता है। पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को ये जो बीमारी है जानबूझ के उसने लाई नहीं है, तो पेशेंट को समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए काउंसिलिंग ऑफ रिलेटिव्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। साथ में जब पेशेंट अच्छा हो जाएगा, जब पेशेंट को इनसाइट आएगा, इनसाइट मतलब जब पेशेंट को समझ में आएगा कि मुझे बीमारी है, तब पेशेंट की काउंसिलिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग थेरेपीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग मतलब उसको बताना कि सोशली कैसे बिहेव करना है, जजमेंट कैसे इम्प्रूव करना है। साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी जो पेशेंट फंक्शनिंग छोड़ चुका है उसको हम बताते हैं कि फंक्शन कैसा करना है। साथ में फिजियोथेरेपी, ऐसे अलग अलग प्रकार के। और एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है वोकेशनल थेरेपी, आर्ट थेरेपी, असर्टिव थेरेपी, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के थेरेपीज है जिससे पेशेंट को हम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो अकोला में बेस्ड है, हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ हम पेशेंट्स को रिलेटिव्स के बिना एडमिट करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार की थेरेपीज देते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, जिससे पेशेंट का मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पेशेंट की जो कॉग्निशन लेवल है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो और अच्छी हो जाती है।
स्किजोफ्रेनिया को हम मन का कैंसर बोल सकते हैं। अगर कैंसर को ठीक करना है तो उसे अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना जरूरी है, और वो कैंसर को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थी स्किजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। मैं अलग अलग वीडियोस और भी जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं अकोला में बेस्ड हूँ, केड़कर हॉस्पिटल रामदास पेट में। मैं जल्दी ही इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियोज़ के द्वारा दूंगा। थैंक यू।